आज हम लोग करने वाले हैं डोरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 4 धारा 4। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, पेनल्टी पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डोरी। पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा, एक क्वेश्चन कि विच सेक्शन डील्स विद दी पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डोरी। देखो किसके लिए है ये, ध्यान रखना, ये केवल है डिमांड करना, यानी कि दहे मेयर डिमांड इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 4। और यहीं से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में कि दिस इज नॉट गिविंग, दिस इज नॉट टेकिंग, दिस इज नॉट अबेटिंग, दिस इज वॉट डिमांडिंग। देखिए क्या है लैंग्वेज, पढ़िए जरा। देखिए, इफ एनी पर्सन, ध्यान से वर्ड्स को पढ़ना, क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन, हु एनी पर्सन मीन्स ही मे बी ब्राइड, ही मे बी ब्राइड ग्रूम, ही मे बी एनी पर्सन, डिमांड्स डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम दी पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स और गार्जियन ऑफ ए ब्राइड और द ब्राइड ग्रूम एज द केस मे बी एनी डॉरी। अब इसी को समझ लेते हैं, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इसमें। इफ एनी पर्सन डिमांड्स एनी डोरी, यदि कोई व्यक्ति, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो ये ऐसे पढ़ो उसको, इफ एनी पर्सन डिमांड्स एनी डोरी, यदि कोई व्यक्ति किसी भी दहेज की मांग करता है, दहेज की मांग करता है, तब क्या होगा, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, वो दंडनीय होगा जिसका दंड ये होगा। तो इसी लाइन से आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज बीइंग पेनलाइज्ड हेयर, व्हाट इज बीइंग प्रोहिबिटेड हेयर, यहां पर जो पनिशमेंट है वो किस लिए है आपका, दैट पनिशमेंट इज फॉर डिमांड, वो मांग करने के लिए है। इफ यू आर डिमांडिंग, इफ यू आर डिमांडिंग देन यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 4। अब देखो यहां पे दहेज मांगने के लिए हुआ, अब दहेज मांगा आपने और किसी ने दिया, तो गिविंग और टेकिंग अगर डिमांड को पूरा कर दिया तो ऑफेंस कहां हो जाएगा, सेक्शन विल बी थर्ड, वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा थर्ड में। ऐसे समझिए आप, देखिए कि एक व्यक्ति ने, ये रहा सेक्शन 4 लिखते हैं, ए ए ने बी से कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे एज ए डोरी, ठीक है, तो ए ने क्या किया, ए ने की डिमांड, तो यहां पर अभी जो उसका ऑफेंस होगा दैट ऑफेंस विल बी अंडर सेक्शन 4, दैट इज द ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 डोरी प्रोविजन एक्ट। अब मान लीजिए बी ने उसकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, डिमांड नहीं मानी उसकी, तो भी क्या ए का ऑफेंस कंप्लीट होता है या नहीं होता है, द आंसर इज यस, द मोमेंट यू डिमांड्स, जैसे ही आपने अपनी मांग रखी, आप अपराधियों की श्रेणी में खड़े हो गए हैं, आपने वो अपराध कर डाला है जो है सेक्शन 4 का। अब मान लीजिए आपकी मांग को मान लिया गया और आपने दहेज ले लिया, तो फिर आपका ऑफेंस कौन सा हो जाएगा, आपका ऑफेंस हो जाएगा सेक्शन 3 में, बिकॉज सेक्शन 3 में जो ऑफेंस है वो है टेकिंग दी डोरी, और जो व्यक्ति आपको दहेज दे रहा है ही विल ऑल्सो बी गिल्टी फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 एंड 4 का डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं आया, सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 की लैंग्वेज समझ लीजिए, इफ एनी पर्सन, देखो लाइन पढ़ो इसको, इफ एनी पर्सन गिव्स टेक्स और अबेट्स, ये है सेक्शन 3, और सेक्शन 4 में क्या था, डिमांड्स। इन दोनों का अंतर आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाना चाहिए। इफ समवन इज ओनली डिमांडिंग द ऑफेंस विल बी अंडर सेक्शन 4, एंड इफ द डिमांड इज मेट, अगर उसकी मांग पूरी कर दी गई है देन ऑफेंस विल बी अंडर सेक्शन 3 नोट 4। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, गॉट इट। चलिए ये हो गया, भी अब इसकी और टेक्निकलिटीज देख लेते हैं। तो ये तो मेन जिस्ट था सेक्शन 4 का। नाउ
वुड काइंड ऑफ डिमांड इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन यू कैन सी ए क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स कैसे कैसे कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन फोर, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन फोर डिमांड्स डिमांड ऑफ द डोरी शुड बी ऑप्शन ए डायरेक्टली, ऑप्शन बी इनडायरेक्टली, ऑप्शन सी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा. तो इसको नहीं भूलेंगे आप, आपने बेर एक्ट में यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए पी फॉर प्रीलिम्स दोनों ही तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कैसे हो सकता है इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए. मान लीजिए अदिति श्रीवास्तव हैं, अदिति श्रीवास्तव लड़की जज बन गई. अब उनके फादर कह रहे हैं, अब उनके फादर कह रहे हैं बात चल रही है रिश्ते की, तो अदिति के फादर डिमांड कर रहे हैं दहेज की. तो देखें यहाँ आप कहेंगे लड़की वाले कैसे कर सकते हैं, भाई डॉरी प्रोविजन एक्ट में चाहे लड़की वाले डिमांड करें चाहे लड़के वाले डिमांड करें ऑफेंस दोनों का सेम रहेगा. तो अदिति श्रीवास्तव के पापा कैसे कह सकते हैं, देखो बड़ा खर्चा किया है, वैसे तो हमारी कोई मांग है नहीं लेकिन फिर भी समाज का देखना पड़ता है, समाज के अनुसार चलना पड़ता है. तो क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्ट डिमांड आ रही है. अभी ये आज के ज़माने के हिसाब से, आज के कल्चर के हिसाब से जो करना है आप सही कीजिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है. कार आपने देनी है नहीं देनी आपकी मर्जी है ना, लेकिन बस हमारी इज्जत रह जाए. अब हमारी इज्जत रह जाए ये आपने डायलॉग सुने होंगे, यही बड़ा खतरनाक डायलॉग है ये. तो जो डिमांड है वो डायरेक्टली हो सकती है, साहब हमें 10 लाख 20 लाख 10 तोले सोना 20 तोले सोना, ये होगी डायरेक्ट डिमांड. कुछ होती इनडायरेक्ट डिमांड कि जी बस लड़के की नौकरी लगने ही वाली है, या हम सोच रहे हैं हमारा फ्लैट जो है 60 लाख का फ्लैट है, 40 लाख तो हमने भर दिए, अब यही सोच रहे हैं 20 लाख अगर कहीं से इंतजाम हो जाते तो हमारा बेटा और आपकी बेटी अपना वहाँ पर रहने लगते आराम से, बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं है. बस समझा दिया क्या करना है आपको. तो डिमांड यहाँ पर किसी भी तरीके की हो सकती है, ऑफेंस विल बी सेक्शन फोर. डिमांड हो गई आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. फिर डिमांड किसने की, किससे की जा रही है, फ्रॉम द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव और गार्जियन. That demand can be made from the parents. That demand can be made from the other relatives as well. और यही बहुत important point है, यहाँ पर P for prelims लिख लीजिए अलग से, खास करके other relatives का, क्योंकि relatives को हो सकता है आप common sense में आप उसको apply ना करें, हो सकता है आप उसको भूल जाएं, आपको लगेगा parents तो है ही हैं. ध्यान रखना कि relatives से भी अगर demand करते हो आप, जैसे चतुराई कैसे कर सकते हैं हम लोग, जो रिंकी निर्मल है, रिंकी निर्मल ने डायरेक्टली डिमांड नहीं की, इन्होंने उसके जीजा से की, किसी अन्य रिलेटिव से की कि जी बस यही 10-20 तोले सोना का इंतजाम करा दो, एक SUV का इंतजाम करवा दो, बाकी तो हमारे को डिमांड है नहीं. मांग भी लिया, नहीं भी मांगा, और किससे मांगे, अदर रिलेटिव से. जब डिस्प्यूट हुआ, जब प्रोसिक्यूशन हुआ, तो इनका डिफेंस क्या है, हमने तो आपसे एक बार भी नहीं मांगा, आप अच्छा नहीं मांगा तो सुन लो ऑडियो. तो ऑडियो में तो जीजा ही से मांग रही थी ना, मेरी बात तो आपके जीजा से हुई थी, तो भाई जीजा टर्म आ गई अदर रिलेटिव्स में. किसी से भी मांगा हो आपका ऑफेंस बनता है डिमांडिंग डोरी फ्रॉम पेरेंट्स और डिमांडिंग डोरी फ्रॉम रिलेटिव्स और डिमांडिंग डोरी फ्रॉम गार्जियन. These three sources, इन तीनों से ही अगर डिमांड करते हो तो आपका ऑफेंस सेक्शन 4 में कवर होगा. प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि यहां से भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. दिस सेक्शन 4 कवर्स द डिमांड फ्रॉम द ब्राइडग्रूम साइड एज वेल. अगर आपने दूल्हे के पेरेंट्स, दूल्हे के गार्जियन, दूल्हे के किसी रिलेटिव से भी डॉरी की डिमांड की, वो भी सेक्शन 4 में कवर होगा. ऐसा नहीं है कि केवल दुल्हन का, दुल्हन पक्ष से ही दहेज मांगा जाना क्राइम होगा, दूल्हे के भी पक्ष से अगर आप ये डॉरी मांग की मांग करते हो तो वो भी इक्वली दंडनीय है. इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ, इसको कंफ्यूज मत करना कि ये भी हो सकता है कि उल्टा काम हो जाए,
ये क्यों? क्योंकि हम लोग ना अक्सर यही देखते हैं कि दुल्हन की साइड से हम लोग दहेज मांगते हैं, है ना। लेकिन जो सेक्शन या डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये जो प्रोहिबिट करता है गिविंग और टेकिंग ऑफ डोरी, डोरी के लेन देन को प्रोहिबिट करता है। इसका फोकस ये नहीं है कि दुल्हन से, फोकस दुल्हन से नहीं लेना है, दूल्हे से भी नहीं लेना है आपने, ये है इसका। वो कर लेंगे आप लोग। तो एक तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, चार पांच क्वेश्चन यहां से बन गए। अब आएगा पनिशमेंट से क्वेश्चन, कितना पनिशमेंट है। शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, यहां से क्वेश्चन आएगा, एंड विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। तो मिनिमम 6 मंथ्स एंड दिस इज एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स, यहां से क्वेश्चन आएगा, एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, ये हो गया। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर शब्द है एंड, यहां पर और नहीं है, तो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है। ऐसा नहीं है कि ओनली इम्प्रिजनमेंट से काम चल जाएगा या ओनली फाइन से काम चल जाएगा, यहां पर इम्प्रिजनमेंट भी है और प्लस यहां पर फाइन भी है। फाइन कितना हो सकता है मैक्सिमम? 10K। तो यहाँ जो 10K की जो फिगर है, यहां से फिर क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, प्रोविजो पर ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज पर। अब प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में, यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट में इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ लेस देन 6 मंथ्स पी फॉर प्रीलिम्स। यहां पर क्या था देखो, यहां पर द लैंग्वेज वॉज, जो मेन बॉडी में लैंग्वेज थी, इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, जो जेल करी जाएगी वो 6 माह से कम नहीं होगी। लेकिन ये प्रोविजो कहता है कि कोर्ट ऐसा कर सकती है, कोर्ट में इम्पोज ए सेंटेंस फॉर लेस देन 6 मंथ्स एज वेल। तो दोनों को अगर आप रीड करेंगे आप, तो जो कंक्लूजन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि इन जनरल इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। सामान्य तौर पर जो जेल जेल का दंड है, कारावास का दंड है, वो 6 माह से कम का नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट 6 माह से भी कम कर सकती है। लेकिन अगर 6 माह से दंड कम करना है, कारावास कम करना है, तब क्या करना पड़ेगा उसको पढ़ लीजिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग, फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी मेंशनड इन दी जजमेंट, ये है एडिक्वेट। एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स वॉट? इफ कोर्ट वॉन्ट्स टू इम्पोज लेसर पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अगर न्यायालय कारावास की सजा 6 महीने से कम करना चाहती है, तो उसके रीजंस होने चाहिए, उसके कारण होने चाहिए। और कारण कैसे होने चाहिए? एडिक्वेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त आधार होने चाहिए, एक बात, एडिक्वेट रीजन। दूसरा क्या हुआ? स्पेशल रीजंस होने चाहिए, विशेष कारण होने चाहिए, स्पेशल रीजंस। तो पूरी लाइन वहां पर आएगी। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे दोबारा समझाता हूं। रीजंस पर ही क्वेश्चन दे देगा वो, रीजनेबल रीजंस, ऑप्शन बी, एडिक्वेट रीजंस। सी, एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, डी, नन। आंसर इज, बताओ आप। आंसर इज, तो अब ये देखो, यहां से जो क्वेश्चन बना आपके सामने,
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस लैंग्वेज ऑफ दिस फ्रेज. लैंग्वेज इज वॉट एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन्स. आप याद करते रहेंगे कितना पनिशमेंट होगा, 6 महीने से कम का नहीं होगा, ऐसा वैसा होगा, और एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया रीजन्स वाली लाइन से. तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग में समझाता हूँ. जहां जहां से क्वेश्चन बनते मैंने सारे समझा दिए आपको. अब इसको मैं एक बार समरी कर देता हूँ. सेक्शन 4 ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति दूल्हा या दुल्हन के पेरेंट्स, गार्जियन या अन्य रिलेटिव, अन्य रिश्तेदार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहेज की मांग करता है तो वो दंडनीय होगा. बस दुल्हन के पक्ष से मांगो या दूल्हे के पक्ष से मांगो, उस दोनों के रिलेटिव से मांगो, दोनों के गार्जियन से मांगो, दोनों के पेरेंट्स से मांगो, आपको सजा मिलेगी. और सजा कितनी होगी भाई साहब? 6 महीने से कम की नहीं होगी, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 2 साल की हो सकती है. तो क्या भाई साहब हमें फाइन भी देना पड़ेगा? हाँ भाई साहब. विच मे एक्सटेंड टू 10,000. वो फाइन 1 रुपया भी हो सकता है, लेकिन वो हद से हद कितना हो सकता है? 10,000 तक जा सकता है. तो क्या फाइन और है या एंड है? ये है एंड, यानी कि चक्की पीसिंग एंड पैसा गिविंग, दोनों ही काम करने पड़ेंगे. तो क्या एक बात बताइए, अगर दूल्हे या दुल्हन के दादाजी ने दहेज मांग ली, और दादाजी हैं 80 साल के, दादाजी हैं 85 साल के, तो तब भी क्या उनको कम से कम 6 महीने की कैद हो जाएगी? करे ऐसी ही परिस्थितियों को हम बोलते हैं एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस. अगर कोर्ट को समझ में आ जाएगा कि इनका ध्यान रखना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा कोर्ट में, इनकी उम्र ऐसी हो चुकी हुई है या इनको कोई रोग है इस तरीके का, कोई भी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन है, तो जो मिनिमम 6 मंथ्स की क्लॉज है उसमें हम ढील दे देते हैं. इनको 1 हफ्ता 2 हफ्ते जेल की सैर कराओ और बाहर निकाल लो, ऐसा भी हो सकता है. उसको उन्होंने शब्द दिया है एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस. ये कहाँ मेंशन करेंगे? टू बी मेंशनड इन द जजमेंट. वो ऐसी बात जजमेंट में ही लिखेंगे अच्छे तरीके से. ठीक है, तो ये जो लाइन है प्रोविजो, एग्जैक्टली सेम प्रोविजो हमें सेक्शन 3 में भी मिलता है, उसमें भी मैंने आपको समझाया था. अच्छा, यहाँ पर भी शब्द है डॉरी. तो डॉरी की डेफिनेशन वही है जो कि हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 2 में. सेक्शन 2 में जो डॉरी की डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन विल बी एप्लीकेबल है. एनी प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बस हो गया. तो दिस इज सेक्शन 4 फ्रॉम माई साइड.